नमस्कार जी, आप हैं मेरे लिटिल गार्डन पर और स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो इस चिलचिलाती हुई धूप में गार्डनिंग करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, और जब आप सभी को इसकी हरियाली पसंद आती है, जब आप सभी तारीफ़ करते हैं तो बहुत खुशी होती है मुझे। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हुए मैं ये वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि ये एक मेरा कोलियस का प्लांट है। यहाँ से ये पॉट गिर गया था और इसकी सभी मिट्टी बाहर आ गई थी, और उसकी जड़ों को ज़रा धूप और जो भी इसकी सेक लग जाने से ये प्लांट अब ख़राब हो चुका है। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ से इसकी कटिंग लेकर लगा लेती हूँ और आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा है, वेल ड्रेन है, बिल्कुल वहाँ से पानी ना ठहरते हुए पानी वहाँ से निकल जाता है, तो इट मीन्स कि आपकी सॉइल बिल्कुल अच्छी सॉइल है। आप उसमें किसी भी टाइम, किसी भी महीने में आप कटिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जेड प्लांट है, जो कोलियस है, और जैसे कि पॉर्चुला का है, ये सभी सेकुलेंट से बिलोंग करते हैं और इनमें सबसे फास्ट रूटिंग होती है। तो आप बिना घबराए हुए एक्सपेरिमेंट करें, अपने एक्सपीरियंस देखें, अपने एक्सपीरियंस डेवलप करें। तो मैं तो कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये होगी कोई 3-3.5 इंच की ये कटिंग होगी, वहाँ से मैंने तोड़कर और इसी पॉट में मैं लगा रही हूँ। और यहाँ से ये पॉट लेकर मैं कुछ अंधेरी जगह पे रख दूँगी, कुछ 4 या 5-6 दिन। तो दोस्तों, आप भी अब आप ये बात को ज़रा विश्वास करें मेरी बात को, अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है तो कटिंग आप किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये एक और पॉट मैंने अभी अभी लगाया है, ये देख सकते हैं आप, जितना पानी आप इसमें देख रहे हैं इतना पानी इसमें दिया नहीं जाता है। तो मैंने पाइप से दे दिया हुआ है, इसीलिए अब ये ज़्यादा है। तो एक्स्ट्रा वाटर मैं यहाँ से हटा दूँगी। तो इस पॉट को मैं इस बोर्ड के नीचे, ये जो टेबल जैसा बना है, इसके नीचे रख दूँगी। यहाँ पे धूप ज़रा भी नहीं आती है, अंधकार रहती है यहाँ पे, बिल्कुल डार्कनेस। और आप देख पा रहे हैं ये पॉट मेरे, जिसमें कुछ पेंटिंग किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर उसे रीपेंट कर लिया जाए, जो हमारे प्लास्टिक के पॉट आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और अच्छा लगता है कुछ ना कुछ जब हम करते रहें। ये पत्थर चट्टा है, बहुत अच्छे इसके पत्ते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे, बहुत सुंदर। तो ये सभी यहाँ पे एक साथ रहते हैं, ड्रेसिना, जेड प्लांट, कुछ लालसा, सेंसिवेरिया, ये एग्लोनिमा है, और ये रहा मनी प्लांट। तो मनी प्लांट देखकर मेरे दिल को भी बहुत खुशी होती है, बहुत प्यारे कलर हैं इसके। और ये सभी कुछ पत्तों, कुछ प्लांट्स को मैंने बिल्कुल नज़दीक नज़दीक पास में रखा है, इनसे इन्हें एक दूसरे को मॉइस्चर मिलता रहता है, एक दूसरे का साथ बना रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा गार्डनिंग को लेकर एक सजेशन ये रहेगा कि अपने पॉट्स को ज़मीन पर या कंक्रीट के जो भी हैं, हमारी टेरेस है, वहाँ पे अकेला ना छोड़ दें, पास पास रखें या किसी चीज़ के ऊपर रखें। तो जैसा कि हम नर्सरीज में देखते हैं, तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, 11 या 11:30 का टाइम हो चुका है। एक चक्कर मैं ज़रूर छत पर इस टाइम लगा लेती हूँ और इस तरह से पाइप लेकर हाथ में ज़रा सा बस उन्हें शावरिंग कर देती हूँ। तो होता क्या है, पानी सूख तो जाएगा जल्दी से, मगर कुछ टाइम के लिए उन्हें तरोताज़गी मिलेगी, खुश होंगे वो, और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है ऐसा करके। तो दोस्तों, अपनी समझदारी से अपने अपने पॉट की मिट्टी को कीचड़ जैसा गीला ना करें, तो उससे तो प्लांट ख़राब हो ही जाएंगे। तो आप हल्का हल्का छिड़काव उसे स्प्रिंकल करें पानी से, जैसे मिस्ट करते हैं, ऐसा आप ज़रूर करें, 2 टाइम करें, 3 टाइम करें। तो बस ये आप देख रहे हैं कुछ रॉक पत्थर, कुछ चिड़िया वगैरह ड्रॉ किया है। ये एक पत्थर था मेरे पास जो साइड से कुछ टूटा हुआ था, तो कुछ इसमें सीमेंट, वाइट सीमेंट लेकर उसकी चोंच बनाई है और उसके पंख भी। तो अभी ये मुझे कभी पैरट भी लगता है, कभी पीकॉक भी लगता है। तो आप भी कुछ ना कुछ बनाते रहें,
तो दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, बार बार करूंगी शुक्रिया कि आप सभी ने मुझे इतना सराहा। नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ, खाद पर और मिट्टी पे, हमारे गार्डन के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए मैं किस तरह की मिट्टी यूज़ करती हूँ। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो जाने से पहले आप सभी को एक बात ज़रूर कहूँगी कि मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अपने और अपने प्लांट का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी गार्डनिंग।